यूपी वीडियो री एग्ज़ाम्स 2023 26 जून की इवनिंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन लेकर के हम आपके बीच हैं। और यहाँ पर हम जो आपके लिए लाए हैं 50 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के लाए हैं और दूसरी शिफ्ट का ये पेपर है। इससे पहले हमने हिंदी और रीजनिंग के पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों के लिए डाल दिया है। आप चैनल पर जा कर के अपने क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। मेरी बुकलेट के अनुसार जो मेरे पास 101वां क्वेश्चन है, यह है मूल भारतीय संविधान में किसके द्वारा हस्तलिखित था। तो B.R. अंबेडकर, इसके लिए सभी ने सही लगाया होगा आंसर। दूसरा है, कौन दुनिया का सबसे लंबा खेल आयोजन गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाला पहला भारतीय और एशियाई कप्तान है। तो सही आंसर होगा D. अभिलाष टोमी। महाराष्ट्र राज्य के निम्न में से किस शहर ने बेघर लोगों को अपने आश्रय में बसाने के लिए भिखारी मुक्त शहर नामक एक नई पहल शुरू की। तो सही आंसर होगा D, अर्थात नासिक, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है जो 104 नंबर पर है, इंडियाज वैक्सीन ग्रोथ स्टोरी फ्रॉम कोवोवैक्स टू वैक्सीन मैत्री पुस्तक के लेखक जो भारत के एक सिविल सेवक भी हैं, तो कौन है वे। तो सही आंसर जो होगा वो होगा A. डॉक्टर सज्जन सिंह यादव। 105 क्वेश्चन है, इकत दक्षिण भारत के निम्न में से किस गांव का बुनाई पैटर्न है। राष्ट्र पर्यटन संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भी चुना गया। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा A. पोचमपल्ली। 106 क्वेश्चन है, द फ्रॉगमैन ऑफ इंडिया, सही आंसर हो जाएगा C. सत्यभामा दास बीजू। 107 क्वेश्चन है, कौन सा पर्यावरण मुद्दों में लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने का ध्यान केंद्रित करता है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, अर्थात D. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मौलिक अधिकारों से संबंध निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो B, इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा एक अनुचित युग्म है। खजूरो जो है चंदेल राजाओं के द्वारा बनाया गया था और इसमें चोल दिया गया है, तो ये एक क्या है, अनुचित है। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, दामोदर नदी इसके लिए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है, लंदन में इंडिया हाउस एक छात्र निवास है जिसकी स्थापना सामजी किशन वर्मा, अर्थात D. ऑप्शंस वाले ने की थी। महाजनपद की राजधानी जो सूरसेन थी उसमें कौन सा था, मथुरा। किस स्थान पर 1818 में फोर्ट ग्लोस्टर हेनरी गोर द्वारा पहली सूती मिल स्थापना की गई। तो यह है पश्चिम बंगाल यानी कि कोलकाता में। भूकंप रोधी निर्माण धज्जी देवरी प्रणाली है जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित। किस बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, तो सही आंसर होगा कांडला बंदरगाह। 116वां क्वेश्चन है, जिसके लिए जो है दो आंसर मैच किए जा रहे हैं, तो दोस्तों आप सभी लोग कमेंट्स में इसका सही आंसर देने का जो है कष्ट करेंगे। रिजर्व बैंकों ने बैंक अन्य संस्थाओं को किस दर में परिवर्तन का निर्देश दिया, तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर देखिएगा 117 की यदि बात की जाए A, अर्थात लिबोर। 118 क्वेश्चन में, वे कौन से आदर्श हैं जिन्हें राज्य की नीतियाँ बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। तो B आंसर सही होगा, नीति निर्देशक सिद्धांत। सर्वोच्च साहित्य पुरस्कार कौन सा है भारत का, तो ये होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। वुड एल्कोहल के रूप में भी जाना जाता है मैथेनॉल को। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें पूछा गया है 121 में, तमिल व्याकरण की कौन सी रचना है तमिल साहित्य की सबसे पुरानी मौजूद रचना है। तो सही जो आंसर होगा 121वें में D होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया, तो D ऑप्शन सही हो जाएगा, अजरबैजान और तजाकिस्तान। भारत सरकार की RCS योजना के तहत उत्तर पूर्वी क्षेत्र का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है डोली पोलो हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन से है, सबसे खारी दुनिया की जो जल निकाय है वो है ग्रेट साल्क लेक।
भारत कला भवन उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित है। जोविम ग्रह यानी कि जो आपके अंतिम चार ग्रह हैं उसमें यूरेनस का नंबर आता है। वन वीक वन लैब जो है ये CSIR द्वारा लागू की गई, तो डी ऑप्शन सही होगा। कोड़वा हॉकी महोत्सव मनाया जाता है, ये कर्नाटक के लिए सही आंसर जाएगा। कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान के तहत किसी व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार की रक्षा करता है, तो 21 अनुच्छेद इसके लिए सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से औरंगाबाद का नाम जो है छत्रपति संभाजी नगर रख दिया गया है, ए आंसर आपका सही होगा। किस संस्थान ने हाल ही में CE20 क्रायोजेनिक इंजन का परीक्षण किया, इसरो इसके लिए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। मटकी नृत्य का संबंध जो है मध्य प्रदेश से है। 134 में है VOC का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया, तो डच इसके लिए सही आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर पूछा गया है कि तमिलों के जीवन का प्रदर्शित करने वाला संग्रहालय कौन सा है, तो सही जो आंसर हो जाएगा इसके लिए हो जाएगा किलाड़ी संग्रहालय बी। किस भारतीय संस्थान ने हेल्थ केयर और बायोमेडिकल रिसर्च में SI नैतिक ये दिया गया है, तो सी आंसर इसके लिए सही होगा। 137वां क्वेश्चन है और अनामुड़ी इसके लिए सही आंसर होगा। हाल ही में भारतीय सेना द्वारा संयुक्त अभ्यास किया गया है, तो ये जो संयुक्त अभ्यास किया गया है इसके बारे में क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा क्वेश्चन है और सही आंसर सी होगा आपका, मानस नदी पर। सिल्वी कल्चर जो है यह वनों को बढ़ावा देने की आपकी जो नीति है उसको सिल्वी कल्चर के तहत जाना जाता है। मुगल सम्राट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की अनुमति दी, तो जहांगीर के शासनकाल में सब हुआ था। बनवाली ये हरियाणा में स्थित है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध स्थल है। मोड़म की गति को BPS में नापा जाता है। कुल्लू घाटी को देवताओं की घाटी भी कहा जाता है। दुनिया के पहले 200 मीटर, तो इसके लिए जो सही आंसर होगा वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। 145वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। MAIA मिशन लॉन्च करने के लिए निम्न में से किस देश के साथ साझेदारी की, तो इटली इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर भी करें दोस्तों के बीच, ताकि सभी को जो है सही आंसर मिलाने का मौका मिल सके। लोक चित्रकला शैली का मधुबनी शैली जो है बिहार से संबंधित है और बिहार इसके लिए सी ऑप्शंस में आएगा। विश्व एड्स दिवस सभी जानते होंगे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ओजोन परत से संबंधित ये जो है एक अभियान है। निम्न में से कौन सा दृष्टि दोष नहीं है, तो पहला ही आपको दिखाई दे रहा होगा दृष्टि का स्थायित्व। दोस्तों सामान्य ज्ञान का अंतिम क्वेश्चन है, इससे पहले के वीडियो आप सभी लोग चैनल पर जाकर देख सकते हैं और कल का जो पेपर आपका होगा वीडियो का उसके भी सभी के सभी सेट आपको मिल जाएंगे सॉल्यूशन सही, तो चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लें। वार्ता कृषि अनुसंधान ने पूसा कृषि विज्ञान मेले का आयोजन कहाँ पर किया, तो नई दिल्ली इसके लिए सही आंसर होगा। ये मार्च 2023 में किया गया। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।